व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल पे काफी इंटरेस्टिंग वीडियो आई है, जिसका टाइटल है टॉलीवुड वर्सेस सैंडलवुड वर्सेस कॉलीवुड वर्सेस मॉलीवुड कंपैरिजन बिटवीन साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज। तो देखते हैं कि टॉपिक किस तरीके से कवर किया है ये वाला और क्या कुछ जानने को मिलता है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे फटाफट से लाइक। 1 2 3 गो। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव, और जरा इसे देखिए और इसे 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 और इसे। हमारे हिसाब से ये साउथ इंडियन मूवीज है, राइट? क्योंकि हमें लगता है कि साउथ इंडियन इंडस्ट्री भी बॉलीवुड की तरह एक ही पेड़ है, बट ना, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। साउथ इंडियन इंडस्ट्री 5 डालियों में बटा हुआ है। वो एक अकेला इकलौता पेड़ नहीं है जैसे बॉलीवुड। साउथ इंडस्ट्री एक्चुअली में बटा हुआ है कॉलीवुड, टॉलीवुड, कोस्टलवुड, मॉलीवुड और सैंडलवुड। जहां पर सबसे पहले सवाल तो ये उठता है कि ये रीजनल इंडस्ट्रीज आखिर किस स्टेट को बिलोंग करते हैं और कौन किससे आगे है और कौन किससे पीछे, और वो कौन है जो साउथ इंडियन इंडस्ट्री को एज अ होल सबसे ज्यादा आगे ला रहा है। वेल, आज के इस वीडियो में आप बहुत सी ऐसी बातें जानने वाले हो जो अक्सर आम लोगों से नजरअंदाज हो जाती है। So let's get started. सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं कॉलीवुड के बारे में। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। ये डायलॉग आपने पहले बिल्कुल सुना होगा। जी हाँ, साउथ फिल्म इंडस्ट्री की बात तो सबसे पहले साउथ के गॉडफादर के साथ ही स्टार्ट करनी चाहिए। बट मुन्ना, द रियल क्वेश्चन इज कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री का नाम कॉलीवुड आखिर क्यों? वेल, वो ऐसे क्योंकि इसका नाम चेन्नई में मौजूद कोडम्बकम रीजन से इंस्पायर्ड होकर रखा गया, जो वहां का मेन प्रोडक्शन सेंटर है, जिसने 1918 में एन मुदलियार की खींचा का वाधम से अपनी और पूरे साउथ इंडियन सिनेमा की ग्रैंड ओपनिंग की थी। और 1931 में आई मूवी कालिदासा इस इंडस्ट्री की फर्स्ट टॉकीज थी। बट अगर उस जमाने की हम बात करें ना, तो ये इंडस्ट्री मिर्च मसाले और एक्शन से भरपूर नहीं थी, बल्कि मिथोलॉजी और रिलीजियस स्टोरीज बताती थी, जिसका ट्रेंड बाय द वे चोला डायनेस्टी से तमिल्स में चलते आ रहा है। पर वक्त बदला, लोगों के जज्बात बदले और आज इनके पास सिर्फ बड़े स्टार्स ही नहीं है, बट इन्होंने बॉलीवुड तक को रजनीकांत, कमल हासन, श्रीदेवी, हेमा मालिनी एटसेट्रा, ये सब बड़े बड़े स्टार्स दिए हैं। और इन स्टार्स का इन जनरल कितना फैन फॉलोइंग है वो तो आप लोग जानते ही हैं। फैन फॉलोइंग इन जनरल कुछ इतनी है कि वहां के लोग तो इन स्टार्स के लिए टेंपल्स बनाते हैं। हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये रजनीकांत जी का, निधि अग्रवाल का, हंसिका मोटवानी का टेंपल। लेकिन भले ही मेल और फीमेल दोनों ही आर्टिस्ट के मंदिर बने हो, पर ये इंडस्ट्री दोनों को इक्वली ट्रीट नहीं करती, अनफॉर्चुनेटली। और इसका सबूत खुद इस इंडस्ट्री में काम करने वाले आर्टिस्टों ने दिया है। लेकिन फीमेल आर्टिस्ट के साथ ऐसा होने की जिम्मेदारी जितनी इंडस्ट्री की है उतनी ही ऑडियंस की भी है, कि जब ऑडियंस मेल सेंट्रिक मूवीज की डिमांड खुद ब खुद बढ़ाएगी तो इंडस्ट्री अपना कंटेंट कैसे चेंज करेगी। एंड द सेम प्रॉब्लम इज विद बॉलीवुड एज वेल, जहां पर भी फीमेल्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे टॉलीवुड की। वर्ल्ड्स बिगेस्ट फिल्म स्टूडियो रामोजी फिल्म सिटी, जहां पर मैं पर्सनली गया हूं, तेलुगु सिनेमा का है। वर्ल्ड्स थर्ड बिगेस्ट थिएटर प्रसाद आईमैक्स, वो भी तेलुगु सिनेमा का है। और अल्लू अर्जुन, नागार्जुन, प्रभास जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स, ऑफकोर्स वो भी तेलुगु सिनेमा के हैं। यही नहीं, दुनिया को कट मामा और बाहुबली देने वाले डायरेक्टर एसएस राजामौली भी इसी फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। बट इस फेमस इंडस्ट्री की अगर स्टार्ट के बारे में मैं बात करूं, तो टॉलीवुड को उसका नाम तेलुगु के टी और हॉलीवुड के ऑलीवुड से मिला है, जिसने अपने सफर की पहली शुरुआत 1921 में आई साइलेंट फिल्म अनुषा अडुसिमल्ली के साथ रघुपति वेंकैया नायडू की छत्रछाया में की थी। और इसीलिए उन्हें आज लोग फादर ऑफ तेलुगु सिनेमा भी कहते हैं। पर बड़ी बड़ी फिल्में और बड़े बड़े सितारों से भरे होने के बाद भी यही वो सिनेमा भी था जिसने अपना नाम गुमनामी से बाहर निकालने के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया। ये लोग ने सबसे पहले साहस दिखाकर अपनी फिल्म को सिर्फ अपने लैंग्वेज में नहीं बल्कि दूसरे लैंग्वेजेस में डब करके हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस के सामने लाने का साहस दिखाया। बट इस चक्कर में मोस्ट ऑफ दी मूवीज इनकी पैन इंडिया लेवल पर नहीं चली। और अब भले ही महिषासुरा मर्दिनी इंडियन सिनेमा की पहली पैन इंडिया फिल्म रही हो, पर इस सिनेमा की हारी बाजी को पलटने वाली पैन इंडिया फिल्म तो बाहुबली ही थी। बट इन द केस ऑफ टॉलीवुड, बाहुबली द बिगिनिंग वो मूवी थी जो इनके लिए गेम चेंजर बनी। बाहुबली द कंक्लूजन 1810 करोड़ कमाकर तेलुगु सिनेमा के लिए सबसे ज्यादा फायरवर्क्स का कारण बनी और साथ ही इंडिया की सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। और इसी मौके के लिए टॉलीवुड रुका था पैन इंडिया लेवल पर मूवी को हिट करना और करोड़ों में छापना। अब तीसरे नंबर पर है कोस्टलवुड, यानी कि तुल्लू फिल्म इंडस्ट्री, जहां 2016 के पहले 8 महीनों में 70 हिंदी फिल्म रिलीज हुई थी। उस साल तुल्लू इंडस्ट्री ने 45 ईयर्स कंप्लीट किए थे।
और उस समय उनकी पूरी हिस्ट्री में सिर्फ 70 फिल्म्स ही रिलीज हुई थी। इतना ही नहीं, आज तक इस इंडस्ट्री में सिर्फ 115 मूवीज ही रिलीज हुए हैं, और ये नंबर इतना कम इसीलिए है क्योंकि पहले यहां पर एक साल में सिर्फ एक या दो मूवीज ही रिलीज हुआ करती थी, लेकिन 2011 में आई फिल्म ओरिया दरी असल के बाद से उनका एनुअल आउटपुट बढ़कर अब 6-7 मूवीज पर ईयर हो गया है। इनफैक्ट साउथ की इंडस्ट्रीज में सबसे लेट यही रीजनल इंडस्ट्री शुरू हुई थी जब 1971 में एन्ना थनगडी फिल्म रिलीज हुई थी। एंड इन केस इफ यू आर वंडरिंग इसे कोस्टल वुड क्यों कहा जाता है, वेल इसीलिए क्योंकि ये लैंग्वेज बोलने वाले ज्यादातर लोग कर्नाटका के कोस्टल एरिया, लेकिन इनकी ऑडियंस आज मैंगलोर, उडुपी, मुंबई एटसेट्रा जैसे हर जगह बिलोंग करती है। लेकिन फिर भी आई बेट आपने इस इंडस्ट्री का नाम नहीं सुना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस तुलु के नेटिव स्पीकर्स सिर्फ 18 लाख लोग ही है कंपेयर टू 54 करोड़ स्पीकर्स ऑफ हिंदी, व्हिच मींस ये पूरी तरीके से एक छोटी रीजनल इंडस्ट्री है जिसका मार्केट साइज काफी छोटा है। अब फ्रेंड्स, कुछ ही देर पहले हमने पैन इंडिया फिल्म्स की बात की थी और इन फिल्म्स के फायदे तो काफी है, लेकिन अगर ऐसे ग्रैंड लेवल पर फिल्म्स बनती जाएगी तो ऑलरेडी स्ट्रगलिंग इंडस्ट्रीज और दिक्कत में पड़ सकते हैं। ऑल्सो एक पैन इंडिया रिलीज होना फिल्म की सक्सेस को गारंटी नहीं करता, ऐसी काफी सारी फिल्में हैं जो पैन इंडिया तो रिलीज हुई लेकिन अपनी लैंग्वेज से हटकर दूसरी लैंग्वेजेस में कंप्लीटली फ्लॉप हो जाती है, जिसके पीछे मे बी कॉन्टेंट रीजन हो सकता है। वेल ये मेरा मानना है, आपको क्या लगता है नीचे कॉमेंट्स में बताना। नंबर 4, मॉलीवुड यानी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। 1984 में इंडिया ने क्रिकेट में फर्स्ट वर्ल्ड कप तो जीता ही था, लेकिन उसके साथ इंडिया की फर्स्ट 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चेटन भी उसी साल रिलीज हुई थी, और ये फिल्म आई थी कहीं और से नहीं बल्कि मॉलीवुड से, जो कि केरला स्टेट बेस्ड इंडस्ट्री है और मलयालम और हॉलीवुड को मिलाकर बनी है नाम मॉलीवुड। इस फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत 1928 में हुई थी जब जेसी डैनियल ने विघाथा कुमारन नाम की एक साइलेंट फिल्म बनाई थी। सो एज यू कैन सी दिस फिल्म इंडस्ट्री इज क्वाइट ओल्ड एंड इसीलिए इन्हें आज फादर ऑफ मलयालम सिनेमा भी कहा जाता है। इनफैक्ट फर्स्ट मलयालम टॉकी बालन एग्जैक्टली 10 साल बाद 1938 में रिलीज हुई थी, और इतना ही नहीं, जहां पर बिफोर इंडिपेंडेंस यहां से 5 फिल्में बनी थी, वहीं आज यहां पर एनुअली 200 से ज्यादा फिल्में रिलीज होती हैं, और इनका इतना फास्ट आगे बढ़ने का राज है फिल्म मेकिंग में एक्सपर्टीज। यू कैन इमेजिन फर्स्ट 3D मूवी इन्होंने बनाया था, फर्स्ट 3D मूवी तो क्या, फर्स्ट 70mm डिजिटल मूवी सेलफोन से शूट की गई मूवी, और 8K में शूट की गई फिल्में भी यहीं से आई है। बट इन्हें सिर्फ टेक्निकल नर्ड्स ही नहीं समझना, इनके फेमस एक्टर्स ममूटी एंड मोहनलाल जैसे लोगों ने काफी सारे नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी जीते हैं। लेकिन इतना स्ट्रगल और प्रोग्रेस करने के बाद भी आज इनकी कंडीशन ऐसी है कि इनकी फेमस फिल्म्स जैसे कि दृश्यम, बॉडीगार्ड, गॉडफादर के बॉलीवुड रीमेक्स बने हैं, लेकिन वो रीमेक्स इन ओरिजिनल मूवीज से काफी ज्यादा कमा चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहां पर ओरिजिनल मलयाली दृश्यम ने 60 करोड़ कमाए थे, वहीं पर हिंदी रीमेक ने 110 करोड़ कमा लिए, और बॉडीगार्ड का तो पूछो भी मत। नंबर 5, और वो इंडस्ट्री जो अभी सबसे ज्यादा चर्चे में है, सैंडलवुड उर्फ कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी 1934 में फ्रॉम द फिल्म नेम्ड सती सुलोचना, और इसके बाद एक के बाद एक हिट मूवीज आती रही, बट जिस मूवी ने सबको दंग करके रख दिया वो थी 1989 में रिलीज हुई मूवी इदु साध्य। इस मूवी ने सभी को इसीलिए दंग करके रख दिया क्योंकि ये इंडिया की पहली ऐसी 1.5 घंटे की मूवी थी जिसको शूट करने में सिर्फ और सिर्फ 36 आवर्स गए थे। चौक गए ना आप भी? वेल, ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है क्योंकि कन्नड़ सिनेमा वैसे भी एक्सपेरिमेंटल वर्क्स को प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है, प्लस वो हर मूवीज नॉवेल बेस्ड बनाते थे, और 1995 में तो उन्होंने एक गैंगस्टर बेस्ड मूवी बनाई थी जिसका नाम था ओम, वही फिल्म जिसको अभी तक पूरे 550 टाइम्स री-रिलीज किया गया है और आगे भी किया जाएगा। री-रिलीज का मतलब कुछ एडिशंस को ऐड करके मूवी को वापस से रिलीज करना, जिसे बाय द वे करने के पीछे 3 रीजंस होते हैं। नंबर 1, प्रोड्यूसर को री-रिलीज से प्रॉफिट दिख रहा हो। नंबर 2, स्टार ज्यादा फेमस हो और उसकी फिल्म की मार्केट में डिमांड हो। नंबर 3, उस स्टार का बर्थडे हो, सो फॉर बर्थडे सेलिब्रेशन। बट 550 टाइम्स री-रिलीज होना मतलब पूरे इंडस्ट्री का उससे इंस्पायर होना, इनके नॉवेल बेस्ड रूट से नाता टूट जाना, मतलब कि लगातार गैंगस्टर थीम्ड मूवीज का बनते रहना, और अल्टीमेटली लोगों का उससे ऊब जाना, and the fall of sandalwood, which means yahan par zarurat hai abhi thodi self introspection ki, self improvement ki, jahan unhone simply commercial, experimental aur parallel films ke beech ki lines ko hi blur kar diya, matlab ki sab kuch mix kar diya aur ek film produce kar diya jo film sare audience ki demand ka ek cocktail tha, aur sath hi mein unhone apne novel based ke roots ko bhi fir se pakad liya jo unhone chhod diya tha, plus historical movies banana shuru kar diya, and fir kya hona tha, boom,
सैंडलवुड इंडस्ट्री फिर से राइज करने लग गई। 2015 में रिलीज हुई रंगी तारंग ने जिसने अकेले यूएसए में ही $318,000 कमा लिए थे वो इस बात का एक प्रूफ है। और 2018 में जो केजीएफ रिलीज हुई थी उसने पूरे 250 करोड़ रुपए कमाकर बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। और अगर मैं बात करूं केजीएफ 2 की जो हाल ही में रिलीज हुई है 2022 में तो उसने सिर्फ 8 दिनों में 300 करोड़ से भी ज्यादा कमाकर पहले के भी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। केजीएफ 2 पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया कि उसके पीछे फिल्म थियरी क्या थी, उसको अगर आपको चेकआउट करना है तो YouTube पर बस सिर्फ सर्च करना गेट सेट फ्लाई फैक्ट केजीएफ 2 और वो वीडियो आप देख सकते हो। इनफैक्ट क्या आपको पता था कि 2019 के डेटास के हिसाब से बॉलीवुड ने 501 फिल्म्स रिलीज की थी तो वहीं पर इन पांचों रीजनल इंडस्ट्रीज ने मिलकर बॉलीव से भी ज्यादा फिल्में निकाली थी। विच मीन्स ये पांचों डालियां मिलकर कभी भी बॉलीवुड का पेड़ काट सकते हैं। और शायद कुछ ऐसा ही आज के टाइम पे हो भी रहा है, जहां पर बॉलीवुड मूवीज पिट रहे हैं तो वहीं पर साउथ के मूवीज मचा रहे हैं। आपके इस विषय पर क्या राय है और साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री में से आपको सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगती है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना, गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ये अच्छा लगता है गौरव भाई जिस तरीके से टॉपिक्स कवर करते हैं ना हर तरीके से बहुत इंटरेस्टिंग तरीके विद फैक्ट्स बैकग्राउंड में एक चीज जो है ना जो वीएफएक्स और एनिमेशन यूज करते हैं ना ये वो बहुत बेहतर ग्रीन स्क्रीन के साथ जो बैकग्राउंड में चलता है डेटा लेके आते हैं मूवीज के बारे में बताते हैं। और अगर बात करी जाए टॉलीवुड सैंडलवुड कॉलीवुड तो इनका तो पता था लेकिन कोस्टल वुड का नहीं पता था हमें। मुझे भी नहीं। और मैंने सुना क्योंकि वो लैंग्वेज बहुत कम बोली जाती है ये तो। और अगर एक चीज बात करी जाए यहां पर तो देखो नो डाउट पैन इंडिया लेवल पे बहुत सारी मूवीज रिलीज करी जाती है लेकिन हर एक मूवी सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि जिस मूवी का पहला पार्ट सक्सेसफुल रहा है ना उसको देखने तो लोग पहुंच जाते हैं लेकिन जो पहली बार जो रिलीज हो रही है ज्यादातर। और अगर जैसे अल्लू अर्जुन की पुष्पा है उसको लोग देखने पहुंचे क्योंकि उसकी हाइप क्रिएट हो गई और फिर लोगों ने जब देखी और ज्यादा होंगी तो जैसे पहले पार्ट अगर हिट होता है तो सेकंड पार्ट के लिए वैसे क्रेज बढ़ जाता है। बाहुबली का पहला पार्ट क्लाइमेक्स नहीं मिलता और फिर ये चीज देखना पहले पार्ट से ज्यादा कमाई सेकंड पार्ट नो डाउट करते क्योंकि उसका वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन हर जगह बवंडर आ जाता है उसके नाम का सब लोग फैन हो जाते हैं। देखो ये वो है भाई अब क्या हुआ लास्ट में क्या हुआ लास्ट में सबको ये वो रहती है भाई लास्ट में क्या हुआ क्या क्लाइमेक्स। कई बार लोग ना जाते नहीं है मूवीज देखने के मेरे को लगता है कि जैसे टॉलीवुड या सैंडलवुड कॉलीवुड या मॉलीवुड की हो वो सोचते कि यार मजा आएगा नहीं आएगा लेकिन जब अगर एक बार लोग कह देते ना कि भाई ये बहुत तगड़ी मूवी थी तो वो जब लोग पब्लिक कहती है ना तो वो एक क्रेज अलग हो जाता है। जैसे पुष्पा के लिए हुआ क्योंकि पुष्पा का कोई पहले पार्ट नहीं आया था उससे पहले लेकिन पुष्पा को जब लोग देख के निकले लोग फैन हो गए अल्लू अर्जुन का पूरा डिफरेंट लुक कर दिया। अब लोगों में एक वो चीज आ गई कि उनको वो चाहते हैं कि वैरायटी ऑफ कंटेंट तो ये चीज है। और अब लोग सिर्फ ये नहीं चाहते सिर्फ एक्शन हो थोड़ा मसालेदार एक्शन हो एक स्टोरी लाइन हो और थोड़ा एक मस्ती वाला माहौल भी हो उसके अंदर। जैसे केजीएफ है नो डाउट एक्शन लेकिन स्टोरी लाइन है इमोशन हर एक चीज का उसके अंदर पैकेज था पुष्पा के अंदर था तो वो चीज है कहीं ना कहीं जो ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रही है आज के टाइम पर। और ये वाली बात आई कि अब मुझे लगता है कहीं ना ये काफी मूवीज बॉलीवुड की इसलिए सफर कर रही है क्योंकि उनके एक वो टैग जुड़ गया रीमेक वाला वो कॉन्सेप्ट जो है ना अब क्या होता है एक वो चल जाता है ना अगर एक लोगों ने कह दिया कि रीमेक तो फिर वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के लिए कहो या फिर एक मूवी के लिए बहुत हार्मफुल रहता है। क्या है चलो यार एक आधी भाई ये बहुत ही वैसी मूवी थी इसका मतलब हर एक मूवी का अगर तू देखेगा ना तो और पहले क्या था कि बॉलीवुड की रीमेक मूवी ज्यादा कमाती थी पुराने से क्योंकि वो हिंदी में डब नहीं हो पाती थी इतना अच्छी डबिंग थी। अब क्या हो रहा है कि अब मूवी रिलीज हिंदी में करते तो लोग अगर देख लेते तो फिर मुश्किल हो जाता है उसी मूवी को आप हिंदी रीमेक देखो। जैसे पुष्पा है ये जैसे अभी इतनी बाहुबली इसका रीमेक आएगा अगर इसका कभी कितने साल बाद चाहे वो कितने साल बाद भी रीमेक आए बहुत मुश्किल है कि लोगों को अट्रैक्ट करेगा ऑलरेडी हिंदी में भी वो लोग। अब पैन इंडिया यही हो गया ना इतनी मूवीज पैन इंडिया रिलीज होने लगी हैं। बाकी इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है यार आपने अपनी राय जरूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ बाय टेक केयर।